गुड मॉर्निंग। विषय हिंदी कक्षा 10 गद्य 12 एक नई शुरुआत। लेखक जाकिर अली। जाकिर अली जी का उपनाम रजनीश जी हैं। जाकिर अली का जन्म 1975 में हुआ था। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं। गिनीपिंग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित इनके सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह का तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। तो स्टूडेंट्स, एक नई शुरुआत गद्य को हम समझेंगे। मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। उसका एक खंड प्रोफेसर रामिश की प्रयोगशाला में तथा दूसरा खंड वहां से 500 मीटर दूर उनके सहयोगी माधवन के घर में स्थापित था। आज इनके द्वारा मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित किए जाने का प्रयोग संपन्न हो रहा था। खुद प्रोफेसर रामिश अपने शरीर को प्रक्षेपित करने का प्रयोग कर रहे थे। प्रोफेसर रामिश का शरीर तत्वों में विभक्त होकर कंप्यूटर को प्रोसेस रेडी सिग्नल मिलता है और प्रोफेसर रामिश माधवन को फोन पर सूचित करके अपने कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रवेश करते हैं। मानव प्रक्षेपण यंत्र अपना काम शुरू करता है और प्रोफेसर रामिश का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना आरंभ हो जाता है। दूसरे छोर पर बैठा माधवन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह दृश्य देखता है। माधवन के दिमाग में कौन सी बातें, माधवन स्क्रीन पर प्रोफेसर रामिश के शरीर को मूल तत्वों में विभाजित होते और उस पर प्रक्रिया होते देख रहा था और उसके मस्तिष्क में प्रोफेसर रामिश द्वारा मानव प्रक्षेपण के बारे में बताई हुई बातें कौन आती है। माधवन का आश्चर्य जब पहले पहले प्रोफेसर रामिश ने माधवन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया था तो उसका मुँह आश्चर्य से खुला रह गया था। प्रोफेसर रामिश ने उस विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा कैसे उसे समझाया था कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और फिर उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में उसे पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। व्यक्ति को भेजने का साधन यह एक यंत्र था। प्रोफेसर रामिश ने उसे बताया कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान से यानी कि एक टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लिया जाता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके वे उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। वे वहां तक तरंगों को ग्रहण कर उन्हें वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल स्वरूप में पुनः बदल देंगे। पावर सप्लाई बॉक्स में धुआं ऐसे में अचानक उठने लगा। तभी माधवन की तंद्रा यानी निंद्रा भंग होते हुए मानव प्रक्षेपण यंत्र से उठता हुआ धुआं देखकर वह हक्का बक्का रह जाते हैं। उसने देखा कि प्रोफेसर रामिश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर जा रहा था। तभी कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई थी। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने से प्रोफेसर रामिश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर आ चुका था। वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे वाले नाले की ओर उड़ गया था। माधवन का प्रयास जो था, तभी माधवन प्रक्षेपण यंत्र का स्विच निकाल कर उसे बिजली के स्विच के साथ जोड़ देता है। इससे मानव प्रक्षेपण यंत्र कार्यरत हो जाता है। माधवन ने पाया कि प्रोफेसर का शरीर नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम जाती हैं। कुछ अन्य स्विच चालू करने से रिसीवर चैम्बर में हलचल होती है
और प्रोफेसर रामिश बाहर आ जाते हैं, पर कुछ ही क्षणों में वे अचेत हो जाते हैं। डॉक्टर के इलाज से उन्हें होश आता है। प्रोफेसर रामिश का यह कथन था कि प्रोफेसर रामिश कहते हैं कि अब तो उन्हें अपना काम शुरू करना है। देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है, उन्हें जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, और वे कमरे से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मानव प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा प्रोफेसर रामिश और माधवन का कार्य कितनी सुंदरता से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको एक नई शुरुआत गद्य समझ में आया होगा। ग्रह कार्य जो हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, सविस्तर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। दूसरा प्रश्न, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। आशा रखती हूँ कि आपको यह गद्य समझ में आया होगा। नए गद्य पद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।